तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सबसे पहले सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सभी सदस्यों ने भाजपा के दिवंगत नेता आशुतोष टंडन को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनके निधन से हम सभी दुखी है, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। समाजवादी पार्टी आज से शुरू हुए विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में कई प्रमुख मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरेगी, तो सपा सदन में जातीय जनगणना, स्वास्थ्य व किसानों के मुद्दों पर सबसे ज्यादा मुखर दिखेगी। वहीं मंगलवार को सपा विधानसभा दल की बैठक में भाजपा को घेरने की रणनीति पर अंतिम मुहर लगाई गई। ये सभी चीजों को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से यहां पर इस समय कार्रवाई चल रही है और मेरी अपील होगी सभी माननीय सदस्यों से, खास तौर पर विपक्षी दलों के सदस्यों से, कि जिस गरिमापूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश विधानमंडल देश के अंदर वर्तमान में चर्चा में है, उस गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल सत्ता पक्ष की नहीं विपक्ष की भी है। हम उस गरिमा को बनाए रखने में अपना योगदान दें और कोई भी कोई भी मुद्दे हैं, जनहित से जुड़े हुए, डेवलपमेंट से जुड़े हुए, लोक कल्याण से जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, उन सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा परिचर्चा को तैयार है। विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले हर प्रश्न का जवाब देने को सरकार तैयार है। इसलिए विपक्ष को यही बताऊंगा कि अच्छे और एक अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी सेशन चला रही है, इसका मतलब सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब सरकार दे, इसी से जनता मजबूत होगा, इसी से जनता की जो तमाम समस्याएं हैं उनके बारे में जनता को आपका सरकार क्या कर रही है, ये जनता के सवालों से सरकार भागना चाहती है। इसीलिए इस सत्र का समय बहुत कम रखा गया है। जिस सरकार ने पहले भी खर्च पैसा ना किया हो, जो सुविधाएं देनी चाहिए सरकार को, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा पूरी तरीके से बर्बाद है, जिला अस्पतालों में इलाज नहीं है, बड़े दावे देते थे मेडिकल कॉलेजेस में, वहाँ इलाज नहीं मिल पा रहा है, पढ़ाई बर्बाद हो गई है, प्राइमरी स्कूल में कोई एडमिशन लेने नहीं आ रहा है, इंटर कॉलेजेस की दुर्दशा है, वहाँ कौन सी पढ़ाई कराने जा रही है सरकार, जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। आशुतोष टंडन जी का हुआ जो शोक प्रस्ताव भी आएगा, जैसे कि विधानसभा में जो भी विषय आएंगे उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। कितने प्रस्ताव रखे जाएंगे सर हैं आज? आज प्रस्ताव क्या, आज तो यही है कि भाई निधन का निर्देश है। 3 दिन का सत्र इन्होंने चलाया योगी सरकार ने, लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए, जनता की आवाज़ को बंद करने के लिए, उनके जो कुकर्म हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर उसको छिपाने के लिए सतकम चला रहे हैं, और अंदर मोबाइल ले जाना बंद कर दिया है। ठीक है, मोबाइल पे बात नहीं होनी चाहिए, हिंदुस्तान ही नहीं देश के अंदर किसी पार्लियामेंट में किसी विधानसभा में मोबाइल प्रतिबंध नहीं है, या तो लोकसभा के अंदर प्रतिबंध नहीं है। इस तरह से जो आए दिन घटनाएँ हो रही है।